तुम बवाल कर रहे हो दिगंत, ये हॉस्पिटल है, समझा करो। मैं बवाल कर रहा हूँ? हाँ मैं बवाल कर रहा हूँ, और कंपनी जो कर रही है वो कुछ नहीं। तुम जाओ यहाँ से, चलो आ जाओ। हाँ बात जय भाई, बाद में बात करते, अब चुप नहीं बैठेंगे। जाओ, कंपनी को इसकी औकात दिखा के रहेंगे, समझे ना? दिखा के रहूंगा कंपनी को इसकी औकात। तुमने प्रकाश भाई की जान बचाकर हमारी बहुत बड़ी हेल्प की है, थैंक्स। वो तो मेरा फर्ज है सर, प्रकाश भाई मेरे पिता समान। बाकी तुम लोग बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हो, अगर इसी तरह काम करते रहे तो हमारी कंपनी बहुत जल्द गुजरात की टॉप की कंपनी बन जाएगी, और तब तक ना जाने कितने मजदूरों की मौत हो जाएगी। What? हाँ साहब, ये कंपनी मजदूरों की जान लेकर के मुनाफा कमा रही है। ये क्या बकवास कर रहा है साहब? इस पे ध्यान मत दीजिए, पागल है, इसको ऐसे दौरे पड़ते रहते हैं। ठीक है तो कंपनी इसका भी इलाज करवा देगी। पहले अपनी लालच का इलाज करो केतुल साहब, हमारा तो बस हेल्थ और सेफ्टी से हो जाएगा। ए, इतना क्यों भोग रहा है? जान रहा है किससे बात कर रहा है? ये इस कंपनी के मालिक है, मालिक बॉस। तो हम लोग कुछ कम है? हम लोगों की वजह से प्लांट चल रहा है। सुने, अगर जल्दी हालत नहीं सुधरे ना तो हम लोग एक नया यूनियन बनाएंगे, और फिर भी तुमने कुछ नहीं किया ना तो लेबर मिनिस्ट्री में जाकर के तुमको लाइन पे लाएंगे, समझा ना? पिछले साल हमारे दो साथी रामप्रकाश और हरीश भाई कैंसर से मर गए, भगवान भाई का भी जनाजा नहीं। सब लोग क्रोमियम सल्फेट खा कर मर गए। हाँ सबको पता है, ये मौत तो नॉर्मल नहीं थी, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं, और जिसको बोलना चाहिए वो पोपट बन के मालिक की बोली बोल रहा है। ए उशार चंद, काहे भड़का रहा है सबको? भाइयों सबको पता है कि मैनेजमेंट के साथ पगार के लिए बात चल रही है। ये हम कब से सुन रहे हैं यार। हाँ भाइयों बातों से पेट भरता है क्या? पेट भरता है बातों से? देखो भाइयों थोड़ा सब्र रखो, कंपनी बापी में एक नया प्लांट लगा रही है, उस प्लांट के लगते बस, ही चुप कर। अब बहुत सुन लिया, चुप कर। तो भाइयों इसकी बातें सुनने का कोई मतलब नहीं है, अब टाइम है नए यूनियन का, नए यूनियन लीडर का। मैं जय गोयल का नाम नए लीडर के लिए आगे रखता हूँ। जय भाई। भाइयों मैं आप सबकी भावनाओं को अच्छी तरह से समझता हूं, लेकिन मैं आप सबसे हाथ जोड़ के ये विनती कर रहा हूं, मैं इस काबिल नहीं। Thank you.